नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आज दिनांक 3/5/2020 को भारत न्यूज चैनल और साथ ही COVID-19 हेल्प केयर मेघवाल समाज बलजीत नगर नई दिल्ली राजकुमार राठौर जी की ओर से एक मुहिम शुरू की गई, जिसमें कि राजस्थान के जो लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उन्हें देखते हुए राजस्थान जिला पाली तहसील बाली गांव राजपुर के कुछ लोग उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए गए हुए थे। वहीं आज से ठीक 35 दिन पहले ही वे लोग उत्तर प्रदेश से राजस्थान के लिए रवाना हुए। लॉकडाउन के चलते उन्हें दिल्ली में ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहीं पिछले 35 दिनों से यह लोग अपने घर पर जाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने भी इन्हें कोई मदद नहीं पहुँचाई। वहीं यह सभी लोग अभी भी राजस्थान सरकार से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राजस्थान सरकार इन लोगों की कुछ मदद करेगी। और COVID-19 हेल्प केयर मेघवाल समाज बलजीत नगर नई दिल्ली पर यह सभी के सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारत न्यूज़ टीवी की इस मुहिम के साथ ही बलजीत नगर क्षेत्र में भी मेघवाल समाज के करीब करीब 12,000 से 13,000 की आबादी में मेघवाल समाज के लोग रह रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग राजस्थान जाने के इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी सरकार हमें कब यहाँ से राजस्थान बुलाएगी, तो दिल्ली सरकार से और राजस्थान सरकार से दोनों से ही इन लोगों की प्रार्थना है। ये थी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। इस समय जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश कोरोना जैसे वायरस से जूझ रहा है और कई लोग ऐसे परेशान हैं जो अपने घर बार छोड़कर देश प्रदेश विदेश कमाने गए हुए हैं। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक वाकया आज देखने को मिला राजस्थान जिला पाली के गांव राजपुरा। वहां के 6 व्यक्ति जो कि चौधरी समाज से है, यूपी में उत्तर प्रदेश काम कर रहे थे, वहां से दिल्ली की ओर रवाना हुए राजस्थान जाने के लिए। तो आज से 35 दिन पहले दिल्ली में उनको क्वारंटाइन किया गया, दिल्ली जंगपुरा में। तो अभी तक वो लोग वहां से नहीं छूट पाए। राजस्थान सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई, जिला पाली के कलेक्टर साहब से भी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनके लिए जो भी कोशिश की गई सब नाकामयाब रही। इसी को देखते हुए भारत न्यूज टीवी ने यह मुहिम चलाई कि उन लोगों को कैसे और जल्द से जल्द उनके घर, उनके परिवार, उनके बीवी बच्चों के पास उनको पहुंचा दिया जाए, उनके माँ बाप के पास उनको पहुंचा दिया जाए। तो आज जंगपुरा की ओर भारत न्यूज टीवी के रिपोर्टर मुकेश कुमार COVID-19 टीम हेल्प केयर मेघवाल समाज बलजीत नगर के राजकुमार राठौर जी जो है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चला रखी है, रोज गरीबों को 1,000 से 1,200 लोगों को खाना खिलाना। आज ये बात जैसे ही राजकुमार राठौर जी को पता चली कि राजस्थान के कुछ व्यक्ति जो है ऐसे में फंसे हुए हैं, उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ जंगपुरा भोगल की ओर रवानगी करी। और आज रविवार होने के कारण SDM से मुलाकात नहीं हो पाई। आइए आगे जानकारी लेते हैं हमारे साथ राजकुमार राठौर जी। राजकुमार राठौर जी, आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आज आपने कोशिश करी? देखिए कुछ जहन दोस्तों, कुछ लड़के जो हमारे राजस्थान से हैं, वो पिछले 35 दिनों से हमारे जंगपुरा में फंसे हुए हैं। फंसे हुए क्या, क्वारंटाइन किया गया है उन्हें, लेकिन 35 दिन कम नहीं होते। एक कोई इंसान घर से बाहर रहता है, जैसे ही मुझे इसका पता चला तो हमें भी लगा कि हमें जाके देखना चाहिए क्या चीज है। हम लोग हमारी टीम के साथ हम लोग कुछ लोग गए, हमने एक COVID-19 हेल्प करके एक टीम बनाई है, जिसके लिए हम लोगों की हेल्प करते हैं, जो खाने की हेल्प हो या किसी तरह से दवाई उनको दिलाई जाए या कुछ खाने की जो सुविधा हो वो पहुंचाई जाए टाइम तक। तो हमारी टीम में कुछ मैं और कुछ लोग मेंबर गए वहां पर, हमने देखा कि वो सही में वहां पर इस तरह से फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि हमें अब घर कब जाएंगे, परेशान है लोग। तो लेकिन आज हम SDM साहब से बात नहीं हो पाई और हम उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन हमारी प्रशासन से, केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से, राजस्थान सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी उनके पेरेंट्स के पास पहुंचाया जाए।
ताकि वो जो परेशानी देख रहे हैं, जो उनको हो रहा है कि तकलीफ हो रही होगी, तकलीफ तो खैर प्रशासन बाकी तो उनको सब सुविधा दे रही है लेकिन वो घर से दूर है, तो उनके अंदर जो लग रहा होगा कि हम घर कब पहुंचेंगे, तो उन्हें टाइम पे घर पहुंचाया जाए। हमारी यही मुहिम है कि जो लोग अपने घर से दूर हैं और काफी दिनों से दूर हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी उनके घर पहुंचाया जाए। और एक बात और, हम बलजीत नगर में जो यहाँ पर भी निवास पाते काफी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपने राजस्थान प्रदेश में जाया जाए, करीब यहाँ पर 10-12 हजार लोग रहते हैं निवास समाज के, उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से यहाँ पर है और किसी कारणवश यहाँ आए थे लेकिन उसके बाद वो यहीं पर स्टे हो गए, उन्हें वहां पर नहीं जाया जाने दिया जा रहा, तो उनके लिए भी कुछ ऐसी सुविधा की जाए ताकि वो भी अपना अपने घर प्रदेश पे जा सके। तो राजकुमार राठौर जी, हमने सुना है कि जो आपने मुहिम चलाई है COVID-19 हेल्प के मेघवाल समाज, इसमें कुछ महिलाएं जो है, महिलाएं समय समय पर आपके साथ रात दिन खड़ी हुई है, आपको किस तरह से उनकी ओर से मदद मिल पा रही है आपकी टीम से? देखो, ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ही मेरी सोच और मेरे साथ जो मेरी टीम थी उनकी सोच ये थी कि कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। पहले शुरुआत अकेले की थी लेकिन आज मेरे पास 50-60 लोग हमारे साथ खड़े हैं, खासकर हमारी माताएं और बहनें, जो हमारे जो दुखी लोग हैं जिनको खाना टाइम पे नहीं मिल पाता, उनके लिए वो रोटियों का प्रबंध करती है और हमारे साथ मिलकर कार्य करती है। और हम लोगों का मकसद यही है कि हम जितने भी लोग हैं उन तक अपना टाइम पे खाना पहुंचाया जाए, और महिलाओं का खासकर हम मेघवाल समाज की जो महिलाएं हैं जो उन्होंने अपना सहयोग दे रही हैं और मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है ये काम करते वक्त, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजकुमार राठौर जी ने जैसे बताया कि उन लोगों को जल्द से जल्द राजस्थान सरकार की ओर से मदद मिले और उनको अपने घर परिवार तक पहुंचाया जाए, तो भारत न्यूज टीवी भी इसी उम्मीद में है कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इन लोगों के लिए कुछ करे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने जो मुहिम चलाई थी COVID-19 हेल्प केयर मेघवाल समाज बलजीत नगर नई दिल्ली, तो आज इनके द्वारा 1000 से 1200 लोगों को पर डे खाना खिलाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी मुहिम है और भारत न्यूज टीवी इनको ऑल द बेस्ट कहती है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, हम राजस्थान के रहने वाले, पाली जिला, तहसील देसूरी, गांव राजपुरा के हम सह युवक हैं। उत्तर प्रदेश बस सेवा चालू होने के कारण हम उधर से निकले थे राजस्थान के लिए, तो हमें दिल्ली में रोक लिया गया, दिल्ली में स्कूल में रखा गया। कम से कम दिन हमको 35 दिन हो चुके हैं और हमने राजस्थान सरकार से मदद मांगी और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और दिल्ली सरकार से भी मदद मांगी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम यहाँ बहुत परेशान हैं और हमारे माता पिता बहुत परेशान हैं। भारत न्यूज टीवी से मुकेश कुमार जी के साथ राजकुमार राठौड़ अपनी ओर से पूरी मदद कर रहे हैं और हमें दिल्ली सरकार से ये उम्मीद है कि हमें हमारे घर जाने जल्द से जल्द भेजे देगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पर्दा।